जी मेरा नाम गुलाम कादिर लोन, मैं हुसैन से बिलीव कर रहा हूँ। तो हमारा हमसाया एक कल ये पंडित बरादरी का एक बंदा गुजर गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वही भाईचारा मिलता है जो आज से बहुत साल पहले हमारा भाईचारा था। हम वैसे हैं जैसे हम पहले थे, हमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है कि हमारे मुसलमान जब हम फजर नमाज सुबह पढ़ के मस्जिद से निकल गए, उसके बाद हमने ये मालूम हुआ कि इसके इंतकाल हुआ है, उसके बाद हमने खुद ऑटो का इंतज़ाम किया और एक ऑटो यहाँ से हमने भर के हमारे लड़कों ने वो हमने नीचे मर्दगाड़े में छोड़ दिया। उसके बाद हमने यहाँ घर वालों से कहा कि ये लकड़ी शायद कम है, क्योंकि हमने पहले भी देखे हैं कि लकड़ी बहुत लगती है। उसके बाद हमने यहाँ जो मुसलमान ठेकेदार है लकड़ी का, उसे हमने फ़ोन किया कि हमें लकड़ी की ज़रूरत है, तो उन्होंने बिना पैसे के, बिना किसी बात के बताए हुए, किसी झिझक के बगैर उसने उठाया और 3 क्विंटल के करीब करीब उसने लकड़ी वहाँ मर्दगाड़ी में पहुँचाया है। हम ये कहना चाहते हैं कश्मीरी सबसे, या चाहे हम यहाँ जितने मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक हैं और इंशाल्लाह हम हमेशा के लिए एक रहेंगे। हमने ज़िंदगी में ये भेदभाव नहीं किया, हमारे हमसाए हैं, हम जान और दिल से इस वक्त भी तैयार हैं और हमें इनके लड़के का इंतज़ार था। अगर इनके लड़के का इंतज़ार ना होता तो हमने आखिरी रसूमात इसके हमने खुद अदा किए होते, लेकिन वो जम्मू था, उसकी वजह से हम अभी तक रुक चुके हैं। वो अभी यहाँ पहुँचे हैं, इनका ये काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आज जुमा है, जुमा के बाद हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनके साथ इनके वहां तक पहुंचना और इनके साथ हाथ बटाना, और इनके लिए जो भी जरूरत होगी इंशाल्लाह हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं। नाथ जी भट्ट इस दुनिया से चल बसे। नाथ जी की उम्र तकरीबन 90 साल की थी और सुबह होते ही वो मुसलमान, मकामी मुसलमान रोजा इनके घर तजद के लिए पहुंचे, और जब इनके रिश्तेदार जम्मू से वजीर फ्लैट यहाँ पहुंचे, मकामी मुसलमानों ने लकड़ी वगैरह का इंतज़ाम करके रखा था और इनके अलावा इनके हमदर्दी के लिए यहाँ दिन भर लोगों का तांता बंधा रहा। और जिस भाईचारे के लिए वादी कश्मीर पूरी दुनिया में जानी जाती है, वही भाईचारे की मिसाल आज यहाँ वसंत कंगन ज़िले गांधरबल के मकामी मुसलमानों ने यहाँ कायम रखी है और इनकी आखिरी रसूमात के लिए आप देख रहे हैं लोगों का तांता बंधा हुआ है। म्यूनसिपल सोसाइटी कंगन की तरफ से और वसंत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से गमजदा खानदान के साथ इजहार ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ।